So hey guys, this is Nikhil here and today we are going to explore Faculty of Science of Allahabad University. बेहद ही खूबसूरत और तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा. अगर पढ़ता है जॉलजी डिपार्टमेंट, बेहद ही खूबसूरत जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं. और फिर जरा से उसकी दाहिनी तरफ या यूँ कहें कि बाईं तरफ आपको मिलता है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो कि कमाल का बन चुका है. वैसे फ़िलहाल तो ये बिल्कुल वाइट हाउस की तरह दिख रहा है और एक्चुअली पहले नहीं था. शायद तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तो बहुत ही अच्छे टाइम पर तुम एडमिशन ले रहे हो. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो ये रहा मैथ्स डिपार्टमेंट. क्लासेस उतनी खूबसूरत नहीं है बट बाहर से काफी अच्छी बनती जा रही हैं. अब मैथ्स डिपार्टमेंट की बात करें, अगर तुम बीएससी कर रहे हो मैथ्स अगर ले रखा है तो उसकी क्लासेस बहुत ही सुंदर हैं. बेसिकली यही नहीं, अभी और देखिए ग्राउंड, प्लेग्राउंड जो है भाई साहब एक नहीं है, यहाँ पे तीन तीन प्लेग्राउंड हैं और एकदम फुल मॉडर्नाइज एकदम करके बनाया गया है. और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी मेरे ख्याल से 6-7 महीने में बन के तैयार हो जाएगा. तो आपके सेकेंड ईयर में पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ही पूरी तरीके से मॉडर्नाइज हो जाएगा. और ये खूबसूरती देखिए, चांद भी ऐसा लगता है कि नीचे आने की पूरी कोशिश किए जा रहा है पर अफसोस. भाई इधर एक फैकल्टी आता है तो भाई इधर के कुत्तों का मांस इज्जत करने का, ठीक है, ऐसा इनको खिलाने का पिलाने का. उधर चाय की टपरी है भाई, उधर से बिस्किट लेके मांस खिलाना भाई. ऐसा पब्लिक लोग, हाँ तुमसे बहुत ऐसा उम्मीद है इन बच्चों को. ठीक है भाई, देख रहा भाई तुम लोग की याद में कितना पतला हो जा रहा है. कोई बात नहीं भाई, इधर पब्लिक लोग आएगा ना तुमको खिलाएगा सारा खूब. इधर क्या मशरूम चल रहा है, अंधेरा है भाई इधर. रात का समय है यार, बहुत अंधेरा है भाई. भाई फाउंटेन दिखाओ ना साला इधर का. ये है अभी भाई, वाइस चांसलर को लेटर लिखना पड़ेगा भाई इसके लिए. अपना छात्र नेता लोग बस केवल दंगा करता है यार इधर. अरे कुछ काम करवाओ ना यार साला. अब ये यहाँ की सबसे शांत और खूबसूरत सी जगह है सिर्फ रात के लिए. दिन में यहाँ बहुत क्राउड है बट स्टिल अगर तुम्हें पीस चाहिए तो भाई ये जगह मुझे सबसे बेस्ट लगती है. वैसे तो बोटैनिकल गार्डन भी है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है पूरा ये चारों तरफ एकदम से एंड अमेजिंग. तो अब पहले दिन तुम आओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ ज़रूर आना, आओगे ही ऑब्वियसली. और यहाँ तुम्हें घूमने के लिए और बहुत कुछ तो नहीं है बट जो भी है वो लाजवाब है.